इस वक्त देश में लोकसभा चुनाव का शोर है और क्षेत्रीय पार्टी से लेकर नेशनल स्तर तक की पार्टियां अपने अपने इलाके में पूरी ताकत झोंक रही है और जनता को अपनी तरफ करने के लिए हर तरह के वादे कर रही है। तो वहीं हर उम्मीदवार अपने विरोधी उम्मीदवार पर छींटाकशी कर रहा है और खुद को पाक साफ और दूसरे को भ्रष्टाचारी बता रहा है। ऐसे में गर्मी के साथ ही साथ नेताओं ने अपने तीखे बोल से माहौल और देश को गर्मा रखा है। ऐसे में जनता कंफ्यूज है कि वो करे तो क्या करे। लेकिन यहीं पर हम एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आए हैं। खबर इतनी शानदार है कि अगर आप सुनेंगे तो दिल खुश हो जाएगा। जी हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि रेलवे अब आपको फ्री में सेवा देगा, देश के किसी भी कोने में आप जाएं, आराम से जाएं, रेलवे टिकट नहीं लेगा। जी हाँ, ये सही है। दरअसल हुआ ये है कि इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने एक नई सर्विस शुरू की है जिसके तहत आप बिना कोई पैसा दिए टिकट बुक करवा सकते हैं। IRCTC की सर्विस का नाम है बुक नाउ एंड पे लेटर। टिकट बुक करवाने के बाद आप पैसे का भुगतान कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि आपको टिकट का भुगतान करते वक्त किसी तरह की भुगतान समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। फिर आधिकारिक वेबसाइट पर आने के बाद अपनी यात्रा की जानकारी देनी होगी कि आपको कहाँ जाना है और कब जाना है। इसके बाद आपके पास पेमेंट करने का विकल्प आएगा। यहाँ आपको भुगतान करने का तरीका देना होता है। अब आपको यहाँ पे लेटर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप ई पे लेटर वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। फिर आप अपने ई पे लेटर खाते में लॉगिन करें और बुकिंग राशि की पुष्टि करें। यहाँ पर एक बात आपको बता दें कि टिकट बुक हो जाने के बाद 14 दिनों के बाद शुल्क देना होगा। रेलवे ने इसके लिए एक प्राइवेट कंपनी के साथ करार किया है। इसमें कोई भी यात्री उधार में आरक्षण टिकट बनवा सकता है। एक बात और बता दें कि समय से भुगतान करने वालों की क्रेडिट लिमिट बढ़ती जाएगी।